गॉड ब्लेस यू ऑल्स, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। नमस्कार, मैं हूं आदित्य वी शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं नीट एग्जाम से रिलेटेड। जो ट्वेल्थ क्लास के मेडिकल स्टूडेंट हैं स्पेशली हिमाचल के, उन्हें मैं बताने वाला हूं नीट एग्जाम से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम माना जाता है, क्योंकि इस एग्जाम को जब आप क्लियर कर देते हैं तो आपको ऑल इंडिया लेवल की जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे एम्स हो गया जिसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहते हैं, और हिमाचल शिमला में आईजीएमसी हो गया, उसमें आपको एडमिशन मिलती है और आप एमबीबीएस कर सकते हैं। इस एग्जाम के बारे में मैं आपको थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर इसकी स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो आप जानते हैं कि जो नीट का एग्जाम है, इसमें आप मेन चीजें जानते हैं कि तीन बड़े सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी की भी दो सेक्शन होते हैं, मतलब दो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो आप मेन पढ़ते हैं 11th एंड 12th में मेडिकल स्टूडेंट्स, वो है बॉटनी और जूलॉजी। और केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेस हैं जो आप 11th और 12th में पढ़ते हैं, हालांकि ये कंबाइन ही होती हैं केमिस्ट्री की एक ही बुक में, दो बुक्स में, 11th की दो बुक्स होती हैं और प्लस टू में दो बुक्स होती हैं, आप जानते हैं एनसीईआरटी की। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये होती है। और फिजिक्स की भी छोटी छोटी ब्रांचेस बहुत हैं, ऑप्टिक्स आ गया, सेमीकंडक्टर फिजिक्स आ गई, ये सभी मेन होते हैं। नीट एग्जाम में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है। जो नीट एग्जाम है एनईईटी कंडक्ट, इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? इसे कंडक्ट करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इससे पहले सीबीएसई ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करता था इस एग्जाम को, पर अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसकी जो रिपोर्ट होती है, जब ये एग्जाम हो जाता है, आपके स्कोर आ जाते हैं, तो इसका इसकी जो रिपोर्ट होती है एग्जाम की, वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को भेज दी जाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये रिपोर्ट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को भेज देती है, और इसके बाद आपको अलग अलग स्टेट में आपकी काउंसलिंग्स होती है, आपकी एडमिशन्स होना स्टार्ट हो जाती है एमबीबीएस के लिए। ये तो बात की बात है। अब मेन ये चीज है कि कैसा ये एग्जाम आता है, थोड़ा मार्किंग स्कीम के बारे में मैं बताता हूं। तो इसमें लोएस्ट जो मार्क्स है वो -180 है, यानी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने कुछ, मतलब सारे ही आंसर गलत दे दिए, मान लो रॉन्ग दे दिए, तो उसके -180 हो जाएंगे, और अगर सारे सही आंसर दे दिए तो +720 होगा। मतलब इसकी हाईएस्ट जो अपर जो लिमिट है, हाईएस्ट जो रेंज है स्कोर की, हाईएस्ट वो 720 है, पॉजिटिव 720, और जो लोएस्ट है वो -180, ये रेंज है मार्क्स की। हर एक क्वेश्चन के पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर +4 मार्क्स मिलते हैं, और गलत आंसर पर -1 मार्क्स आपके हो जाते हैं। और इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के होते हैं, 45 जो क्वेश्चन होते हैं आपके फिजिक्स के होते हैं, 45 क्वेश्चन जो हैं वो केमिस्ट्री के होते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 180 क्वेश्चन होते हैं। पर इसमें चॉइसिस भी हो गई है, जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग ये है। जैसे आपके चार सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बायोलॉजी को दो हिस्सों में बांट देते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। हर एक के दो दो सेक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं फिजिक्स है, फिजिक्स के दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए कंपल्सरी है, मतलब उसमें कोई चॉइसेस नहीं होती आपको, 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपल्सरी होते ही करना। और सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होते हैं और टोटल हो गए 45 क्वेश्चन। और वैसे ही केमिस्ट्री का भी होता है, सेक्शन ए जो होगा केमिस्ट्री का, उसमें 35 क्वेश्चन होंगे जो कंपल्सरी होंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं होगी। और जो सेक्शन बी है उसमें 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें 10 को सॉल्व करना है, और ये टोटल 35 हो गए। इस तरीके से बायो का भी रहता है। और अगर हम आगे बात करें तो इसी करके जो है टोटल आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके 180 के 180 सही हो जाते हैं तो 720 स्कोर बन जाएगा, और अगर किसी के सारे गलत हो जाते हैं तो -180 चला जाएगा। नीट की अगर बात करें तो ये ऐसा एग्जाम है, इसे बहुत कैंडिडेट दे रहे हैं, ये लार्जेस्ट एग्जाम बन चुका है इंडिया का, क्योंकि अगर हम 2022 की बात करें तो इस एग्जाम को 17 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने दिया, मतलब 17.5 लाख, मतलब आप 18 लाख तक समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, इतने स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया। क्योंकि नेचुरल सी बात है, अगर ये एग्जाम क्लियर हो गया तो एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा, और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है मेडिकल इंस्टीट्यूशन इंडिया के, उसमें एमबीबीएस करने का मौका मिलता है।
और स्टेट के बड़े बड़े जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं उसमें भी पढ़ने का मौका मिलता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। पर ये जो एग्ज़ाम है ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता, इसे ये नहीं कह सकते कि बहुत ही डिफिकल्ट एग्ज़ाम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई फिजिक्स से कोई बहुत मतलब बड़े न्यूमेरिकल नहीं आते जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, कॉन्सेप्ट होता है, आपको स्ट्रेटजी चाहिए क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए, आपको स्पीड चाहिए, आपको एक्यूरेसी चाहिए, और आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब कोई बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते फिजिक्स में, जैसे IIT एडवांस में आते हैं वैसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। पर इसमें जो स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट जो परेशान होते हैं, थोड़ा बहुत जो परेशान होते हैं स्टूडेंट, वो फिजिक्स से होते हैं और फिजिकल केमिस्ट्री से होते हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और बाकी इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थियोरटिकल आती है, कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, आंसर जल्दी दिए जा सकते हैं, और बायो तो है ही थियोरटिकल। इसका जो सिलेबस एरिया होता है, स्टूडेंट अलग अलग रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग मटेरियल पढ़ते हैं, पर इसका जो मेन मटेरियल होता है वो NCERT से ही पेपर आता है। NCERT में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें ही थोड़ा सा घुमा फिरा के, यूं कह सकते हैं, या उसके बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ के बात पूछी जाती है। कई बार तो डायरेक्ट ही NCERT से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बीच पैराग्राफ में जो NCERT का जो टॉपिक चलता है, बीच किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, तो NCERT में पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से ये नीट का एग्जाम है, इसके बारे में मैंने आपको एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन दी, मार्किंग स्कीम से रिलेटेड, कौन ऑर्गेनाइज करवाता है उससे रिलेटेड इसके बारे में मैंने बताया। और नीट एग्जाम के बारे में एक और चीज़ है, ये हिंदी इंग्लिश और अलग अलग लैंग्वेजेस में होता है, तमिल में भी होता है, अलग अलग लैंग्वेज में इसको कंडक्ट किया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें जो नीट एग्जाम है, इसमें क्वालिफिकेशन मतलब नेचुरल सी बात है 12th मेडिकल चाहिए, और आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, और इसमें सक्सेस रेट मतलब इसको क्लियर करने के चांस मैक्सिमम होते हैं, मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, अगर सिंसियरिटी से पढ़ा हो तो एग्जाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। और एक और सबसे बड़ी फैक्ट है, हिमाचल के स्टूडेंट्स अगर कोई गाइडेंस चाहते हैं कि किस तरीके से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं अभी तक एग्जाम में, और कैसे जल्दी से कम समय में जो है एग्जाम को क्लियर किया जाए, कम समय में नीट को क्लियर किया जाए, मतलब एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाया जाए, तो आप ईमेल कर सकते हैं हमें, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ हिमाचल के ही नहीं बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल के जितने भी स्टूडेंट हैं सब क्लियर करें, मैक्सिमम मैक्सिमम कंपटीशन अच्छा रहे, मैक्सिमम कैंडिडेट क्लियर कर सकें। और इससे नीट के एग्जाम से सिर्फ MBBS के लिए ही मौका नहीं मिलता, बल्कि आयुर्वेदा में भी इसी की एंट्री मानी जाती है, अगर कोई आयुर्वेदा में जाना चाहता है या कोई BDS करना चाहता है नीट का ही स्कोर चलेगा। और जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम है, और भी कई मेडिकल के एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल पे अगर देखें या सेंट्रल लेवल पे देखें और भी कई एग्जाम्स होते हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं। और अगली जो इन्फॉर्मेशन होगी आगे चल के मैं आपको और भी बताऊंगा कि और क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए नीट को क्लियर करने के लिए। फिजिक्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, काइनामेटिक्स है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री की बात करें, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक से क्या क्वेश्चन आते हैं, केमिकल काइनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या क्वेश्चन आते हैं, या फिर हम बात करें बायोलॉजी से कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोचिंग ही करना जरूरी होता है, काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि कोचिंग करनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं है, सेल्फ स्टडी करके भी आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सेल्फ स्टडी पे भी एग्जाम को क्लियर किया है। तो कई चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, नॉलेज वही है, बुक्स भी वही है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मेन चीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच।